इसको रीराइट कर लेना है, ई टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसको हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, ई टू द पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 cos² x/2, हाफ हो जाएगा एंगल, प्लस साइन एक्स इज 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos² x/2। सो दिस इज ई टू द पावर एक्स इंटू 1/2, आपका कांस्टेंट है ये, एज इट इज लेंगे, कॉस 1 बाय cos² को हम लिखेंगे secant² x/2, प्लस ये 2 से 2 कैंसल्ड, cos पावर से कैंसल्ड, sin/cos इज 10। नाउ इफ यू सी दिस, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो tan x/2 का डेरिवेटिव है आपका हाफ ऑफ secant² x/2। तो ये हमारी अगेन फॉर्म बन गई, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस f'(x) एंड दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो सेम हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे, ई टू द पावर एक्स हाफ ऑफ secant² x/2 प्लस tan x/2 dx इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स tan x/2 एफ ऑफ एक्स आपका ये है यहाँ पे प्लस सी। सो दिस विल बी योर आंसर, ई टू द पावर एक्स tan x/2। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 18। e टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, पहले आपने इनको सेपरेट करके लिखा, देन हाफ एंगल में कन्वर्ट किया। इसमें आपने देखा कि ये आपकी फॉर्म बन रही है e टू द पावर एक्स इंटू ये f'(x) है, दिस इज एफ ऑफ एक्स, तो दैट इंटेग्रल इज e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अगेन यू आर हैविंग द सेम कंसेप्ट, e टू द पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स -1/x² dx। अब 1/x का डेरिवेटिव होता है आपका -1/x², तो सेम फॉर्म बन रही है, e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस f'(x), सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट जो आपका फॉर्मूला है दैट यू कैन यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आई विल गिव यू द हिंट, सेम इसी तरीके से बन रहे, जस्ट यू आर टू रीराइट, जैसे इस क्वेश्चन में हमने इसको एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स की फॉर्म में लिखा था, इन द सेम वे 20th क्वेश्चन में भी हमने उसको लिखना है। सो इन क्वेश्चन नंबर 20 वी आर हैविंग ई टू द पावर एक्स इंटू x-3 अपॉन x-1 होल क्यूब। मैंने ई टू द पावर एक्स आगे लिख दिया है, इसको मैंने बाद में लिखा है। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ x-1 होल क्यूब, तो x-1 होल क्यूब है ऊपर और ऊपर है मेरे पास x-3, तो x-3 को आई विल री राइट एज दिस dx। अब अगेन इनको भी हम सेपरेट करके लिख लेंगे, x-1 अपॉन x-1 होल क्यूब -2 अपॉन x-1 होल क्यूब। अब x-1 ये पावर से कट के वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन x-1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे है मेरे पास -2 अपॉन x-1 होल क्यूब। नाउ अगेन यू कैन सी कि ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन रहा है आपका, सो दिस विल गिव यू द आंसर, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, तो e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 20। तो जो आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है, तो गो फॉर डायरेक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला वहां पे मेंशन जरूर कर देना बट अलोंग विद द सॉल्यूशन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें क्या गिवन है यहाँ पे, ई टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो जब हम ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स को लेके चलते हैं, इसका इंटेग्रल लेके चलते हैं, तो
तो इंटेग्रल में क्या होगा, साइन का इंटेग्रल आपका कॉस बनता जाएगा, कॉस का इंटेग्रल आपका साइन बनता जाएगा, यानी कि वो एक तरह से एक चेन बन जाती है जब आप उसको यू इंटू वी से करते हो, क्योंकि ई का इंटेग्रल ई टू द पावर का भी ई टू द पावर ही रहेगा, साइन वाले का कॉस बन जाएगा, कॉस का लोगे तो साइन बन जाएगा, तो वो आपका एक सर्कल जो है मतलब चलता जाएगा कि वो इंटेग्रल जो है इस तरह का वो आपका कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसे इंटेग्रल्स के लिए हम क्या लेके चलते हैं, उसको जहां पे वो रेपिटेशन शुरू होती है उसको आई लेके चल लेते हैं, और फिर वहां से आई की टर्म्स में ही उसको सॉल्व करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। वी आर हैविंग ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डीएक्स। जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम आइलेट वाला जो है जहाँ पे आप ये कह सकते हो कि एक लूप काइंड ऑफ हमें मिलना है, तो हम आइलेट को फॉलो नहीं करते। इसमें हम एक्सपोनेंट वाले को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप अगेन जो कंसेप्ट लगाओगे वही यू इंटू वी वाला लगाओगे, तो दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, साइन का जो इंटेग्रल है आपका दैट इज माइनस कॉस एक्स, तो साइन का इंटेग्रल आप यहाँ पे माइनस कॉस एक्स पुट कर देंगे, माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो दिस इज 2 इंटू e टू द पावर 2x, इसका भी इंटेग्रल हम लेते हैं, माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू दिस सेकेंड फंक्शन। अब देखो यहाँ पे e टू द पावर 2x विद माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पे e टू द पावर 2x विद माइनस कॉस एक्स है, साथ में 2 है, ये कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे, तो ये हमारा जो है दिस विल बिकम e टू द पावर 2x विद नेगेटिव साइन कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 मैंने फिर से बाहर लिया, e टू द पावर 2x कॉस एक्स डी एक्स। अब ये अगेन ये वाली फॉर्म बन रही है आपकी, तो इसमें हम अगेन क्या करेंगे, e टू द पावर 2x को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, cos x को हम सेकंड फंक्शन लेंगे, तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको यहाँ पे मैं i इक्वल टू ले लेते हैं, कि e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई i, तो ये बन गया e टू द पावर 2x cos x प्लस 2 एज इट इज। अब अगेन इसका आपको इंटेग्रल लेना है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन कॉस एक्स का जो है आपका कॉस एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव है आपका साइन का, तो कॉस एक्स का इंटेग्रल इज साइन एक्स, देन माइनस इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस इज अगेन 2 e टू द पावर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ इंटेग्रल ऑफ कॉस एक्स दैट इज साइन एक्स। अब यहाँ से ब्रैकेट्स हम ओपन कर लेंगे, तो अगर इस 2 को मैं छोड़ दूं तो ये आपका e टू द पावर 2x साइन एक्स dx, यानी कि जिसको आपने i माना था ये सेम चीज बन रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको रीराइट कर लेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड देन वी विल रीराइट, दिस इज 2 e टू द पावर 2x साइन एक्स माइनस 4 e टू द पावर 2x साइन एक्स dx, एंड हियर वी आर हैविंग द इंटेग्रल साइन, तो i इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर 2x cos x प्लस 2 e टू द पावर 2x sin x। बच्चे म्यूट रखो अपने आप को, sin x। अब यहाँ पे ध्यान दो माइनस 4, और ये क्या है इंटेग्रल ऑफ e टू द पावर 2x sin x dx, e टू द पावर 2x sin x dx, दिस इज योर i, तो इस पूरे को हम रिप्लेस कर देंगे i के साथ, तो अब यहाँ पे भी आई वाली है टर्म, यहाँ पे भी आई वाली टर्म है, ये इंटेग्रल्स हमारे ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, तो इसको हम इधर ले आएंगे, आई प्लस 4i यानी कि 5i इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर 2x कॉस एक्स प्लस 2 e टू द पावर 2x साइन एक्स प्लस सी, आपने लगाना ही लगाना है, तो वो प्लस सी आपका साथ में आ जाएगा, सो दिस इज योर, आप चाहो तो यहाँ पे भी जहाँ आपने पहले इंटेग्रल लिया है वहीं पे प्लस सी कर लो, अदरवाइज आप यहाँ पे लगा, जहाँ आपने लास्ट इंटेग्रल लिया है, लास्ट इंटेग्रल यू हैव टेकन ओवर हेयर, तो यहीं पे लगा लो आप साथ में, सो दिस इज योर क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे रेपिटिशन हो रही है
रेपिटेशन के लिए जैसे ई टू दी पार टू एक्स का इंटेग्रल सेम, साइन का कॉस, कॉस का साइन, यानी कि वो एक लूप चलता जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ई वाले को फर्स्ट टर्म, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेकंड ले लिया आपने, और इसको इक्वेट कर दिया आपने आई, कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, यू इंटू वी का आपने फॉर्मूला लगा दिया, देन अगेन यहाँ पे यू इंटू वी लगाया, तो यहाँ पे आपके पास जो आपने आई लिया था सेम वैल्यू आएगी, और उसके बाद उसको रिप्लेस करो अगेन आई से, आई वाली टर्म्स एक तरफ। ये अब मुझे आई की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आई इज इंटेग्रल ऑफ दिस, तो मुझे ये इंटेग्रल निकालना था। फाइव आप उधर ले जाओगे तो दिस विल बी 1/5 इंटू माइनस ई टू दी पावर 2x cos x प्लस 2e टू दी पावर 2x sin x प्लस c, c क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो c अपॉन 5 आप नहीं भी लिखोगे देन ऑल्सो इट विल वर्क। सो दिस इज योर आंसर। और अगर c अपॉन 5 लिख भी दोगे देन ऑल्सो दैट वन इज करेक्ट, अदरवाइज यहाँ आप c को रिप्लेस कर दो विद सम k क्योंकि कॉन्स्टेंट ही है, तो दिस विल गो। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 21। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आपने स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि उसमें आप i इक्वल टू लेके चलोगे जहाँ रेपिटेशन के चांसेस हैं। Now the next we are having sine inverse 2x upon 1 plus x square dx. So sine inverse 2x upon 1 plus x square. 2x upon 1 plus x square को अगर मैं ध्यान से देखूं, हमने इनवर्स में इस तरह का फॉर्मूला किया हुआ है कि अगर हम x को tan से रिप्लेस करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है sine inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. और 2 tan theta upon 1 plus tan square theta जो है हमें पता है that is sin 2 theta. तो ये आपका sin inverse और sin यहाँ से cancel out हो जाएगा, and then आप जैसे फिर proceed कर रहे थे in the same way you will proceed. So this is your question number 22. Sin inverse 2x upon 1 plus x square dx. तो हमने क्या करना है, put x is equal to tan theta. तो यहाँ से dx is equal to secant square theta d theta आ जाएगा, क्योंकि जब आप x को जो है उसमें रिप्लेस करोगे तो इंटेग्रल में dx को भी आपको रिप्लेस करना पड़ता है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये आ गया आपके पास। अब ये आ गया हमारे पास sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, और dx की जगह secant square theta d theta. Now this is sin inverse, ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन टू टी टू थीटा का, एंड दिस इज सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स और साइन जो है आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। टू हम बाहर ले लेंगे, थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा एल्जेब्रिक फंक्शन है, दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक ट्रिग्नो से पहले आती है, तो दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन, दिस विल बी योर सेकंड फंक्शन, एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन। सीकेंट स्क्वायर जो है दैट इंटीग्रल इज टैन, तो यू विल प्रोसीड, सो दिस यू विल कंप्लीट योर सेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में वी आर हैविंग फाइंड द इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स क्यूब जो है उसको टी पुट कर लोगे तो आगे उसका डेरिवेटिव गिवन है आपको, तो वहां से वो आपका ई की टर्म्स में रह जाएगा एंड देन यू विल सिंप्लीफाई। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब को टी पुट कर लो तो 3x square dx is equal to dt, हमें x square dx चाहिए, तो that is 1/3 dt, तो बाहर आ गया 1/3, ये x square dx को replace कर दिया dt, e to the power x cube, तो रह गया e to the power t, तो e to the power t का integral is e to the power t, t को आप replace कर दोगे फिर से x cube से and you will get your answer। और question number आपका है अब 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 में अगेन जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यू आर हैविंग जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे यहाँ पे तो ई टू द पावर एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स
प्लस एफ डैश एक्स आ जाएगी फॉर्म आपके पास। सो इसका डेरिवेटिव आपका ये है, तो दैट इज ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो ई टू द पावर सेकेंट एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 24। तो विद दिस योर एक्सरसाइज इंटीग्रेशन जो है बाय पार्ट्स दैट इज ओवर। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वी विल डू ड्यूरिंग द रिविजन्स। So if any doubt is there from any of the questions of this exercise, then you can ask for. Otherwise, जो आपकी next exercise है integrals of some more types, इसमें जो है आपने formulae करने हैं, क्योंकि कल जो हमने questions किए थे उसमें एक आपका formula use हुआ था, तो इसमें total जो है आपके formulae वो आपने सारे करने हैं। Integral of x square minus a square, integral of x square plus a square, integral of a square minus x square under the root हैं ये सारे आपके, तो these you are to do। तो इनके सिर्फ results, और in case अगर कहीं पे question में ये form बन जाती है तो आपने, ताकि आप direct जो है formula apply करके you can save your time। Otherwise this one is the deleted one, बट क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला आपका यूज होता है, तो यू आर टू लर्न द फॉर्मूले। देन लिमिट्स एज अ सम भी डिलीटेड है आपका। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द डेफिनेट इंटेग्रल पार्ट। डेफिनेट इंटेग्रल पार्ट में हमें जो है साथ में लिमिट्स गिवन होती हैं, तो लिमिट्स को हम लेके चलते हैं।